हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग एंड लाइफस्टाइल विद पूजा। फ्रेंड, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रही हूँ बंद गोभी की सब्जी, जिसे हम पत्ता गोभी भी कहते हैं, कैबेज इंग्लिश में कहते हैं। पत्ते गोभी की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पत्ता गोभी कट कर लिया है, मटर यहाँ पे मैंने वॉश करके रख लिया, और यहाँ पे मैंने दो आलू भी क्यूब साइज में कट कर लिया है। तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। पत्ते गोभी की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई रख दी है और हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब इसमें मैं मस्टर्ड ऑयल डालूंगी, 2 चम्मच बड़े। ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम जो तड़का लगाएंगे पत्ते गोभी में, वो हम मेथी के दानों से और जीरे से, बहुत ही अच्छा इससे फ्लेवर आता है, आप भी जरूर ट्राई करिएगा। फ्रेंड, हम जीरा और मेथी हमारा हो चुका है एकदम। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन की कलियां, अदरक और मिर्चे का मैंने दरदरा सा कूट लिया है इसको। इससे ना हमारी जो सब्जी होगी ना, उसका जो टेस्ट है ना, फ्लेवर जिसे कहते हैं, वो बहुत ही अच्छा आता है। तो गाइज, आप जरूर इसको ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी लगता है। अब इसको हम 2 सेकंड के लिए भून लेंगे और गैस का फ्लेम स्लो करके रखेंगे। फ्रेंड, हमारा लहसुन, अदरक और मिर्चे का जो हमने दरदरा कूटा था, वो हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे टमाटर, 1 बड़ा टमाटर लिया है मैंने। अब इसको हम 2 मिनट तक इसको भी हम पकाएंगे। फ्रेंड, अब इसमें हम मसाला ऐड करेंगे, जिसमें मैंने हल्दी ऐड कर दी है। अब इसमें हम थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करेंगे और 1 चम्मच धनिया पाउडर। अब इनको हम अच्छे से मिक्स करके भून लेंगे 5 मिनट के लिए। फ्रेंड, मसाला अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम पहले आलू ऐड करेंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। अब आलू को हम पहले पकाएंगे, क्योंकि आलू को पकने में टाइम लगता है थोड़ा। तो इसमें हम थोड़ा सा नमक भी ऐड कर देंगे। इसमें हम नमक ऐड कर देते हैं टेस्ट के अनुसार, जैसे हमारे जो आलू हैं वो जल्दी से सॉफ्ट हो जाएं, पक जाए। अब इसको हम ढककर 5 मिनट 10 मिनट के लिए पका लेंगे। फ्रेंड, आलू पक चुके हैं। अब इसमें हम ऐड कर देंगे मटर के दाने और गोभी। फ्रेंड, अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड, इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसको हम ढककर पकाएंगे धीमी आंच पर। फ्रेंड, अभी इसको हम एक बार चला लेंगे। फ्रेंड, देख लेते हैं हमारी सब्जी हुई कि नहीं, चेक कर लेते हैं। और हमारी सब्जी पक चुकी है और हम आलू भी चेक कर लेते हैं कि हुआ कि नहीं। तो हमारे आलू भी हो चुके हैं। अब इसको हम थोड़ा सा हाई फ्लेम करके ऐसे ही खुला ही पकाएंगे, अब इसको हम ढकेंगे नहीं। सब्जी हमारी बनके रेडी हो चुकी है गाइस। अब इसमें हम धनिया पत्ती डाल देंगे, जिससे हमारी सब्जी का टेस्ट और फ्लेवर दोनों ही बहुत ही अच्छा आता है। अब इसको हम सर्व कर लेंगे। फ्रेंड, मेरी पत्ता गोभी की सब्जी बनके एकदम रेडी हो चुकी है और देखिए कितनी अच्छी लग रही है दिखने में, और खाने में भी उतनी ही टेस्टी है। आई होप फ्रेंड, आप लोग को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी।
अगर आप लोग को मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी इस रेसिपी को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंडों के साथ इसको शेयर भी करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, फिर मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ।